नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़, एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न, निस्मा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़, सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ के नेहरू हॉल में सामाजिक न्याय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को लेकर एक बार फिर अपनी तल्खी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आ रहा है तब फिर हिंदू मुस्लिम होगा, मंदिर मस्जिद होगा, मस्जिदों में मंदिर खोजे जाएंगे, धार्मिक उन्माद पैदा किया जाएगा, लोगों को आपस में लड़ाया जाएगा। हाल ही में बीजेपी शासित मणिपुर और हरियाणा में दंगे हो रहे हैं, इसलिए लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। वहीं यह भी कहा कि जब मस्जिद में मंदिर खोजा जाएगा तो मंदिरों में भी बौद्ध मठ भी खोजा जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर जो फैसला आया है लोकतंत्र की विजय है। व्यापी में सर्वे का मामला न्यायालय में है, इसलिए उन्होंने उस पर कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कि सर्वे सही ढंग से हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव मौर्य जो कि एक दिन पूर्व आजमगढ़ आए थे उनके बयान पर निशाना साधा। कहा कि जो अपनी सीट खुद खो चुके हैं उन्हें इतना घमंड पालना नहीं चाहिए। आजमगढ़ और रामपुर में जो उनकी जीत हुई है यह अंधे के हाथ बटे लग गया है, अब आजमगढ़ आएंगे तब उनको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसलिए तमाम तरीके का प्रयोग कर रही है, दलितों आदिवासियों के खिलाफ साजिश रच रही है। आज सामाजिक न्याय सम्मेलन के माध्यम से पूरे देशवासियों से मैं अपील कर रहा हूं कि देश में सामाजिक सद्भाव बना रहे, अमन चैन कायम रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समय आपस में भाई भाई की बात लगातार आगे बढ़ती रहे। इसीलिए सभी सावधान और सजग रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत पूरे देश को हिंदू मुस्लिम दंगे की आग में झोंकना चाहती है। इसीलिए वो दुहाई देती है कभी हिंदू मुसलमान की, कभी मस्जिद और मंदिर की। और इसको देखते हुए क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दंगे की साजिश का आपको दुष्परिणाम दिखाई पड़ने लगा। पूरा मणिपुर पिछले 90 दिनों से जल रहा है, हरियाणा भी दंगे की आग में झोंक दिया गया है। जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां हिंदू मुस्लिम दंगा कराने में कामयाब भी हो रहे हैं। इसीलिए पूरे प्रदेश देशवासियों से मैं अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस साजिश से लोग सावधान रहें। हिंदू मुस्लिम सौहार्द या सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सभी धर्मों का आपस में मिलना जुलना भाईचारा कायम रहे। इसलिए सभी सजग रहें, सावधान रहें, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी साजिश का शिकार न हो। साथ ही साथ आज धर्म के नाम पर जो तमाम लोग उन्माद पैदा कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद के माध्यम से दंगा कराना चाहते हैं, वोट हथियाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी सावधान रहना है। क्योंकि जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तब भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्जिद में मंदिर खोजना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो यथास्थिति थी उसको यथावत हमें स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहे। अन्यथा अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग धार्मिक उन्माद पैदा कर मस्जिद में मंदिर खोजना शुरू करेंगे तो इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए आने वाले दिनों में कुछ लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो दिन मुसीबत के बन जाएंगे और तथाकथित धर्म के ठेकेदारों का भी बुरिया बिस्तर बन जाएगा। इसलिए ऐसा दुस्साहस, ऐसा पाप न करें कि वो मस्जिद में मंदिर खोजें, जिससे कि आने वाले दिनों में मंदिर में बौद्ध मठ खोजने की आवश्यकता पड़ जाए। सामाजिक लड़ाई के बहाने कुछ राजनीतिक दल परिवारवादी बन जाते हैं जब उनका, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा
पक्षपात और परिवारवाद तो कोई करता ही नहीं है। अभी 340 आईएस जो लिटरल इंट्री के नाम पर बनाए गए हैं उसमें एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, तो उनसे ज्यादा जातवादी कौन है? परिवारवाद केवल बहाना है अपने पापों को छिपाना है। मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो राहुल गांधी को न्याय दिया है उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से जहां लोकतंत्र जिंदाबाद हुआ है, राहुल गांधी को न्याय मिला है, वहीं पर देश के लोगों का विश्वास न्यायपालिका पर बढ़ा है। आजादी पार्टी अब जो समाजवादी पार्टी हो गई है, इसके क्या कहेंगे? पहली बात तो जो खुद अपना चुनाव हारे हो उसको इतना बड़ा घमंड नहीं पालना चाहिए। लोकतंत्र की ताकत को शायद उनको एहसास नहीं है, उनको अपने सत्य के दुरुपयोग पर बड़ा अहम है। हम समझते हैं, ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहे हैं, वो उनका सत्ता का मत बोल रहा है और उनका घमंड बोल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि चचा बिहार गए, भतीजे बिहार गए, आप समाजवादी पार्टी से कोई नहीं चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुशी से नहीं होना चाहिए कि अंधे के हाथ बटेर कभी कभी लग जाती है। पिछले चुनाव में भाजपा बड़ी मुश्किल से सत्ता के दुरुपयोग के माध्यम से जीती है। अब फिर अगर भाजपा यहाँ चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी मैदान में उतारेगी तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, उसकी जमानत भी जब्त होगी। प्रकाश राजभर जी फिर ज्वाइन कर लिए, कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत स्वागत, इसको कैसे क्या? अब ये ऐसे लोग जो समाज का सौदा कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ही समाज उनको सबक सिखाएगा। शिक्षा की बात की जा रही है तो स्त्रियों की शिक्षा जो रुकी हुई थी वो तो मुगलों के आने के बाद से रुकी हुई थी। स्त्रियों की शिक्षा अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुई है। अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुई, लेकिन रुकी कब थी? जब तक तथाकथित हिंदू थे, हिंदू का शासन चलता था, मनुस्मृति का शासन चलता था, तब उस समय शिक्षा नहीं थी, महिलाओं को भी शिक्षा नहीं थी, शूद्रों को भी शिक्षा नहीं थी। यहाँ से बहुत सारी महिलाएं विद्वान मिली हैं। विद्वान होना तो तमाम ऐसे अनपढ़ लोग भी विद्वान हो जाते हैं। संत कबीर भी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन आज उनकी लिखी हुई बातों पर तमाम दुनिया के विश्वविद्यालयों में शोध होते हैं। सांसद अध्यक्ष दिनेश लाल यादव की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सांसद लालगंज सह अध्यक्ष संगीता आजाद उपस्थित रही। बैठक के प्रारंभ में पूर्व में हुई दिशा की बैठक 12 दिसंबर 2022 की कार्यवृत्ति की अनुपालन आख्या से मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया। सदस्यों ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया। सदस्यों ने रिन्यूअल हुए प्रस्तावों से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया तथा समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सदस्यों ने कहा कि बनी हुई सड़कों का मरम्मत कार्य 5 साल तक संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जाता है। पुरानी सड़कों की स्थिति का निरीक्षण करते हुए यदि समय पूरा हो गया है तो PWD को हैंडओवर करें अथवा उनकी मरम्मत कराई जाए। डीएम ने समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों का शत प्रतिशत अनुपालन किया जाए तथा कराए गए कार्यों की जानकारी भी उन्हें दी जाए। सदस्यों को अवगत करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत शासन द्वारा 1466 पेयजल योजनाएं जनपद में स्वीकृत है, जिनमें से 3569 गाँव में कार्य प्रगति पर है। सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पाइप बिछाने का कार्य करने के पश्चात गड्ढों को खुला छोड़ दिया जाता है, जिसको तत्काल भरवाते हुए आवागमन योग्य बनवाया जाए। मुख्य चिकित्साधिकारी ने स्वास्थ्य मिशन की जानकारी देते हुए बताया कि लालगंज में 100 शैया चिकित्सालय में चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी गई है। अब यह चिकित्सालय पूर्ण रूप से क्रियाशील है, ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने चिकित्सकों की कमी एवं अन्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। सांसद ने कौशल विकास विभाग को निर्देश दिए कि जनपद में आयोजित किए गए रोजगार मेले एवं उसमें रोजगार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि जर्जरदारों को बदलने की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए मांग के अनुरूप अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि आम जनता को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से मिलती रहे। कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी
जनप्रतिनिधियों की विद्युत संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता से लेते हुए निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनपद में जितने भी विकास कार्य लाभार्थी परक योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को अवश्य दें। सांसद ने कहा कि आज की बैठक में मुख्य रूप से कप्तानगंज से अहरोला मार्ग 21 किलोमीटर, आजमगढ़ भदोली निजामाबाद होते हुए फूलपुर बेलवाई तक 54 किलोमीटर की सड़क को प्राथमिकता से लेते हुए बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत ब्लॉक जहानागंज में जनप्रतिनिधियों की मांग पर नलकूप लगाना सुनिश्चित करें। सांसद ने शासी अधिकारी नगर पालिका आजमगढ़ को निर्देश दिए कि जहां भी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत सीवर बिछाने का कार्य हुआ है वहां के गड्ढों को प्रॉपर तरीके से मरम्मत कराते हुए आवागमन योग बनाया जाए। बैठक में MLC विजय बहादुर पाठक, विक्रांत सिंह रिसु, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव, पूजा सरोज, डॉक्टर HN पटेल, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। पवित्र ग्रंथ रामायण पर विवादित टिप्पणी करने वाले पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को जनपद आगमन पर विरोध का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं धार्मिक संगठनों द्वारा काला झंडा दिखाकर एवं पुतला दहन कर विरोध किया गया। कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य वापस जाओ जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं का नारा लगाया। इस मौके पर BJP जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने विरोध की खबर लग गई थी इसलिए उन्होंने रास्ता बदल दिया क्योंकि पूर्व में उन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की थी उसको लेकर राम भक्तों में आक्रोश है, उन्हें ईश्वर ने सद्बुद्धि दे यही इच्छा है। BJP नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अनपढ़ बताते हुए कहा कि वो मौर्य समाज का नेता बनते हैं लेकिन मौर्य समाज ही उनको अपना नेता नहीं मानता। आज के कार्यक्रम में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बिरादरी का कोई नहीं। कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का हर स्तर पर विरोध आगे भी किया जाएगा। उस दौरान जिला कार्य समिति सदस्य संजीव कुमार सिंह बच्चा, शिव कुमार मौर्य मंडल अध्यक्ष, वीरेंद्र पटेल मंडल महामंत्री, जिला महामंत्री मिथिलेश चौरसिया, रामनिवास सिंह छात्र नेता, महावीर सिंह, मोनू सिंह जिला कार्य समिति, अवनीश चतुर्वेदी, मोनू विश्वकर्मा, सजीवन मौर्य, चंदन शिव तिवारी, विशाल पांडे, आनंद सिंह जिला मंत्री, आशु तिवारी, राजेंद्र कुमार पूर्व BDC महेंद्र मौर्य, अखिलेश मौर्य, गंगा मौर्य, रामवृक्ष मौर्य, रघुवीर मौर्य, भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज ये आजमगढ़ ऋषि मुनियों की धरती है और यहाँ पर जिस हिसाब से पूर्व में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण पर अभद्र टिप्पणी किया था और आज इसी जिले में आ रहे हैं तो हम लोगों ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। और मैं आपको बता दूं कि इनका रूट जो था ये इधर से आने का था, हम लोग यहाँ खड़े थे, आज उनको काला झंडा दिखाकर गो बैक का वापस जाने का हम लोग नारा लगाते, असांकेतिक धरना करते, तो सांकेतिक विरोध करते। लेकिन वो मुझे पता लगा है अभी कि वो जो है किसी रास्ता को बदल के डर के माले रूट चेंज कर दिए हैं और उनको लगा कि राम भक्तों से टकराना इतना आसान नहीं है इसलिए वो अपना रास्ता बदल लिए हैं। उनको भगवान ने सद्बुद्धि दिया कि गो भक्तों से और राष्ट्र भक्तों से और राम भक्तों से टकराना ठीक नहीं समझा, इसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ, कम से कम सद्बुद्धि तो आई। लेकिन मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग बहिष्कार करिए ऐसे लोगों का, तत्काल बहिष्कार करिए, कतई उसका कहीं पे विजुअल नहीं चलना चाहिए। मेरा आग्रह है जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, जो प्रदर्शन किया है। आप जब जो अनपढ़ आदमी हो जिसको किसी का ज्ञान नहीं हो वो अभद्र टिप्पणी करे यह दुर्भाग्यपूर्ण है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, ढोल गवार सूत्र पसुनारी सगड़ तारणा के अधिकारी, ये जो सब चौपाई है इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी बता चुके हैं और लगातार ये हमारे पवित्र ग्रंथों पर लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। इनको कहीं पे कहीं जाए तो वहाँ का राष्ट्रभक्त होगा, राम भक्त होगा, वो जरूर विरोध करेगा। अच्छा, उन्होंने एक बयान दिया है कि ज्ञानवापी के अंदर बौद्ध का मंदिर रहा है पहले से, तो आप इसको किस नजर से? हमने एक चीज कहा ना कि ये शुद्ध रूप से ये अपने जो हाँ गंवार आदमी है, चर्चा में बने रहने के लिए ये अपने धर्म पर टिप्पणी कर रहा है, ये बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन आदमी है। क्योंकि इनको जब कोर्ट ने वहाँ पे फैसला दिया, हर चीज कोर्ट कर रही है, तो
तो वहाँ पे बयान देना ये उचित नहीं है। इसमें हमारे मौर्य समाज से हमारे मंडल अध्यक्ष हैं शिव कुमार मौर्य जी और सारे लोग आए हुए हैं कि आज हम लोग गो बैक का नारा लगाएंगे कि ये मौर्य जिस हिसाब से मौर्य समाज की वो मीटिंग करने आया है वहाँ पर ये कभी मौर्य नहीं, केवल केवल सपा के कार्यकर्ता हैं, ये कभी जनता के लिए नहीं है। वो दिखावा भले है कि हम वहाँ पे भरे हैं लेकिन ये कभी मौर्य समाज नहीं है। मौर्य समाज इनसे दूर दूर फोटो दूर है क्योंकि मौर्य समाज हमारे माननीय केशव मौर्य जी को जानता है और कल आए थे उनके साथ, इसलिए मैं आप सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजमगढ़ में हुए विरोध पर कहा कि जो लोग मेरी लोकप्रियता से डर गए वही लोग विरोध कर रहे हैं, कोई पुतला फूकेगा कोई काला झंडा दिखाएगा। कहा कि जो मेरे साथ है उनका भी स्वागत है और जो मेरा विरोध कर रहा है उनका भी स्वागत है। आपका पुतला फूक रहा है और काली झंडी दिखाई है, इसको लेकर आप क्या करेंगे आपके आने से पहले? अब जो हमारी ताकत और लोकप्रियता से भयभीत है तो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे के तर्क पर वो कोई मुझे काला झंडा दिखाएगा, कोई मुझे मेरा पुतला फूकेगा, लेकिन मेरी ओर से सबको सबका स्वागत है, जो साथ चल रहा है उसका भी स्वागत, और जो चाहे अनचाहे मेरा नाम लेकर के अपनी भड़ास निकाल रहे हैं उनका भी स्वागत। आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के गिड़ौर मोड़ पर शनिवार की सुबह 9:30 बजे अंतिम संस्कार में जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे पिकअप में सवार 32 में से 25 लोग घायल हो गए। इनमें से 16 गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए सीएससी टीकरगढ़ लालगंज से वाराणसी रेफर कर दिया गया। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई, स्थानीय लोगों की मदद से पुलिसकर्मियों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। बरदा थाना क्षेत्र के सूफीगंज गांव के पूर्व प्रधान मदन राम 70 वर्ष की मृत्यु हो गई थी। अंतिम संस्कार के लिए शव शनिवार की सुबह जौनपुर जिले के रामघाट ले जाया जा रहा था, जिसके लिए 2 पिकअप परिवार के लोग मंगवाए थे। एक पिकअप पर शव के साथ परिवार के लोग मौजूद थे तो दूसरे पिकअप में अंतिम संस्कार में जाने वाले कुल 32 लोग सवार थे। दोनों पिकअप आगे पीछे चल रही थी तभी पिकअप गिड़ौर मोड़ पर पहुंची थी कि सामने से आ रही बाइक सवार को बचाने में पीछे पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और काफी दूर तक घसीटती हुई गई, जिससे पिकअप में सवार 32 लोगों में से 25 लोग घायल हो गए। किसी के हाथ की हथेली कटकर अलग हो गई तो कुछ के पैर कट गए, वहीं 2 लोगों की आंखें तक बाहर निकल आईं। घटना की सूचना पर आनन फानन में स्थानीय लोगों के साथ ही बरदा थाना पुलिस पहुंच गई। लोगों की मदद के लिए घायलों को दुर्घटनाग्रस्त पिकअप से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए सीएससी टीकरगढ़ लालगंज भेजा गया, जहां 16 लोगों की हालत गंभीर देख उन्हें बीएचयू वाराणसी रेफर कर दिया गया है, जबकि शेष घायलों का इलाज सीएससी पर चल रहा है। घायलों में प्रदीप 30 वर्ष, छोटू 30 वर्ष, शिवनंदन 60 वर्ष, रखरखाव 60 वर्ष, ननकू 50 वर्ष, दीपक 20 वर्ष, हरवंश 60 वर्ष आदि शामिल हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मची रही। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत लोगों से झंडा लगाने की अपील की जा रही है। अपने घर व प्रतिष्ठान पर लगाने के लिए डाकघर से तिरंगा झंडे को खरीदा जा सकता है। इसके लिए 25 रुपए कीमत निर्धारित की गई। मुख्य डाकघर के पोस्ट मास्टर ने बताया कि जनपद के सभी डाकघर, उप डाकघर, शाखा डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री उपलब्धता के आधार पर सोमवार से शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि डाकघरों से राष्ट्रीय ध्वज को सिर्फ 25 रुपए में खरीदा जा सकता है, जिसकी लंबाई 30 इंच और चौड़ाई 20 इंच रहेगी। इच्छुक व्यक्ति प्रधान डाकघर में कार्यालय दिवस में निर्धारित शुल्क देकर डाकघर काउंटर से तिरंगा झंडा ले सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस तक तिरंगे झंडे का विक्रय किया जाएगा। लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए भारतीय डाक विभाग हर घर तिरंगा अभियान मनाने के लिए अपने 1,06,000 डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज बेचेगा। प्रवर अधीक्षक डाकघर आजमगढ़ मंडल अखिलेश कुमार ने बताया कि मंडल में कुल 95,000 झंडे बिक्री का लक्ष्य है। प्रधान डाकघर आजमगढ़ से 45,000 उप डाकघरों जिनकी संख्या 44 है 5,500 झंडे और ब्रांच ऑफिस जो कि 400 से है 100 झंडे की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। गत वर्ष जैसे हर घर तिरंगा अभियान का प्रारंभ किया गया था, जिसमें सभी नागरिकों को अपने घरों पे तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया था, इसी को हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने हर घर तिरंगा 2.0 के तहत इस वर्ष भी आह्वान किया है कि सभी देश के नागरिक अपने घरों पे 13 से 15 अगस्त के बीच झंडा फहराएं। और इस अभियान को सफल बनाने के लिए आजमगढ़ मंडल के प्रत्येक डाकघरों से इसकी बिक्री की व्यवस्था की जाएगी।
प्रथम चरण में हम जो है इसकी शुरुआत जो है आजमगढ़ प्रधान डाकघर तथा मऊ के प्रधान डाकघर से प्रारंभ करेंगे। इस झंडे की जो साइज है, इस झंडे का साइज जो है 20 से 30 इंच के बीच, 20x30 का है, और जो कि सभी नागरिकों को 25 रुपये में बिक्री हेतु डाकघरों में उपलब्ध होंगे। चूँकि ये अभी उपलब्धता अभी सुनिश्चित नहीं की गई है, तो इसलिए अभी हम प्रथम चरण में दोनों प्रधान डाकघरों से ही कर रहे हैं। बाद में जैसे ही इसकी उपलब्धता और होगी हमारे पास, तो हम सभी डाकघरों से इसकी बिक्री सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जो है, हाँ बताएं, कब से सर बिक्री होगी इसकी? मैं समझता हूँ कि इसकी बिक्री जो है कल से प्रारंभ हो जाएगी, और भी उपलब्धता होगी तो जो है सभी पोस्ट ऑफिस में इसके बाद से जैसे ही उपलब्धता के आधार पर सभी से बिक्री की जाएगी। कितना टारगेट आप लोगों को दिया गया है दोनों आजमगढ़ मऊ में? आजमगढ़ मंडल को लगभग जो है 95,000 झंडों को बिक्री का टारगेट मिला है हमें, और वो इस प्रकार है कि प्रत्येक प्रधान डाकघर से 4,500 की बिक्री, और प्रत्येक उप डाकघर से 500 की, तथा ब्रांच पोस्ट ऑफिस से लगभग 100 पोस्ट झंडों की बिक्री का लक्ष्य हमें मिला है। सर, इसमें सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा? हाँ, मैं इसको बता दूँ कि दोनों प्रधान डाकघरों में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा, जिसमें कि नागरिक जो है अपना झंडा क्रय करके झंडों के साथ अपनी फ़ोटो खींच करके और हर घर तिरंगा अभियान के हैशटैग के तहत अपनी जो है इसको बात कह सकेंगे, और इसका व्यापक जो है फैलाव हो सकेगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुरागार की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील सगड़ी के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर यहां कुल 156 मामले आए, जिनमें से 3 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष 153 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 92, पुलिस के 24, विकास के 4, विद्युत के 4 एवं अन्य 32 मामले शामिल थे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे जल्द से जल्द शत प्रतिशत गुणवत्ता युक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं आना पड़ता है, इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, उप जिलाधिकारी सगड़ी, तहसीलदार सगड़ी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी तरफ सदर तहसील में आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस पर कुल 119 प्रकरण प्रस्तुत हुए, जिनमें से 12 मामलों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। यहां प्रस्तुत हुए मामलों में 91 राजस्व के, 16 पुलिस विभाग के, 3 विकास विभाग के और अन्य 9 मामले शामिल रहे। हम लोग यहाँ तहसील सगड़ी में आए थे, लगभग 150 प्रार्थना पत्र अब तक आए हैं, और प्रमुख रूप से भूमि विवाद और बिजली की समस्या इससे जुड़े मामले थे, उनको तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए गए। टीम बनाकर 2 बजे के बाद भेजी जाएंगी और उनका निस्तारण किया जाएगा। चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज आजमगढ़ में बीते 31 जुलाई 2023 की घटना को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन इस घटना पर गहरा दुख जाहिर किया और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को अपने ही चरणों में स्थान दे और अभिभावक को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि घटना बड़ी ही दुखद है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उक्त के संबंध में सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन ये अपील करती है कि चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज आजमगढ़ के प्रधानाचार्य शिक्षक को प्रशासन ने जेल भेज दिया है, ये भी उचित नहीं है। पुलिस प्रशासन को पहले हर पहलू पर जांच करना चाहिए था। बिना संपूर्ण जांच के प्रधानाचार्य व अध्यापक को जेल भेज दिया गया। प्रशासन द्वारा पूर्व में भी इसी तरह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रताड़ित किया जाता रहा है। प्रधानाचार्य व अध्यापकों के समर्थन व सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश के सभी सीबीएसई विद्यालय एक दिन के लिए दिनांक 8 अगस्त दिन मंगलवार को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। हमारा सीबीएसई एसोसिएशन के जो प्रदेश ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं श्याम पचौरी जी, उनके द्वारा निर्देश हुआ कि सभी जनपद में पूरे प्रदेश में विद्यालय बंद करना है, और परिवार जो घटना हुई है उस परिवार के साथ पूरा सीबीएसई एसोसिएशन का सभी लोग उसके परिवार के साथ सहानुभूति है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन
और बच्चे विद्यालय हित में जो पठन पाठन कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि प्रशासन जो है, जो भी इस तरह के मतलब अगर स्टाफ हैं उनके उनकी जांच करा लिया जाए, जांच कराने के बाद ही कोई कार्रवाई किया जाए। हम लोगों का ये निवेदन है, इसी उद्देश्य से जो है 8 तारीख को विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में बंद करने के लिए अपील किया गया है। और ये भी चाहते हैं कि क्योंकि घटना जो होनी थी वो तो चूँकि दुखद घटना है और नहीं होनी चाहिए थी, उसके साथ साथ जो और भी बच्चों का भविष्य है, और बच्चे पठन पाठन करते हैं, स्टाफ करते हैं, चूँकि स्टाफ जो है पूरा दहशत में है कि हम काम करने में असमर्थता जता रहे थे, इस वजह से जो है हम लोगों का ये हुआ कि ये पूरा जो भी कार्रवाई हो और जो भी हो उसको जांच करा के ही किया जाए, किसी निर्दोष को न फंसाया जाए जो है। और चूँकि संस्था सबकी है, बच्चे परिवार हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं जो है, विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करवा जाए, यही हमारा जो है हम लोगों की का निवेदन है जो है प्रशासन से। आजमगढ़ शहर के चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 30 जुलाई को 11वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में तीसरी मंजिल से गिरकर मौत के मामले में शनिवार को नया मोड़ आया। कॉलेज की छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने गिरफ्तार प्रिंसिपल और क्लास टीचर के पक्ष में एकजुटता दिखाई। वहीं कहा कि मामले में साइंटिफिक तरीके से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, क्योंकि हर क्लास में गैलरी में एंट्री एग्जिट हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और डीवीआर प्रशासन के कब्जे में है, वो इसकी साइंटिफिक तरीके से जांच करे। कहा कि बतौर क्लास टीचर अभिषेक राय ने कोई गलत कार्य नहीं किया, अगर बच्चा पुरस्कृत होता है तब भी पेरेंट्स को सूचना दी जाती है, अगर कोई शिकायत होती है तब भी पेरेंट्स को सूचना दी जाती है। वही काम उन्होंने किया, वहीं प्रिंसिपल ने भी अपनी ड्यूटी निभाई, जो जॉब निर्धारित है उन्होंने किया, इसलिए प्रशासन अफवाहों पर ध्यान न देकर सीसीटीवी फुटेज पर कार्य करे, सच सामने आएगा। गुहार लगाई कि जल्द से जल्द प्रिंसिपल और टीचर को यहां पर लाया जाए। बता दें कि हरवंशपुर चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज में इसी हफ्ते सोमवार को छात्र के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर छात्रा को प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया। आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्रा को काफी कुछ कहा और बाहर खड़ा कर दिया, इसके बाद छात्रा अचानक से दौड़ते हुए तीसरी मंजिल पर जाकर नीचे संदिग्ध हालत में गिर गई। मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं चिल्ड्रन की छात्रा हूँ, मैं यहाँ फर्स्ट क्लास से पढ़ रही हूँ। हमें बहुत दुख है, अभी हम 12th क्लास में हैं, हमें इस बात का बहुत दुख है कि श्रेया की डेथ हुई, हमारे स्कूल में हुई। हम उसके पेरेंट्स के दुख को भी समझ सकते हैं, लेकिन हम ये तो ज़रूर कहेंगे कि हमारे टीचर्स तो बिल्कुल भी गलत नहीं थे। जो ये बोला गया है कि हमारे स्कूल के टीचर्स की गलती है, ये गलत बोला गया है। हम जानते हैं माँ बाप ने अपनी बेटी खोई है, उन्हें दुख होगा, लेकिन किसी पर ऐसे ब्लेम लगाना ये बहुत गलत बात है। हमारी अनुकृति मैम पर ब्लेम लगा, हमारी प्रिंसिपल जो कि हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर हम बात करें किसी डिसिप्लिन की, तो हमारे स्कूल में डिसिप्लिन है। अगर हम कहें कि उसका कोई अपोज कर रहा है, तो ये भी तो गलत बात है ना। इतने सारे बच्चे हैं हमारे स्कूल में। क्या घटना हुई थी, आप लोगों की जानकारी में क्या हुआ? घटना जो भी हुई सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में था, टीचर्स ने सब उसको रोकने की बहुत कोशिश की। और रही बात कैमरे की फोटेज की, तो वो एसपी ने क्लैरिफाई कर दिया है, तो ऐसा कोई गलती नहीं है हमारे। तो हाँ, लेकिन एक मिनट, अगर ये बात है कि बच्ची गई अगर वहाँ पे, तो अगर उसने गलती की है, अगर कोई बुला के उसको डांट रहा है, तो ये गलत नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है आपके घर में, अगर कोई गलती कर रहा है, बच्चा गलती कर रहा है, माँ बाप नहीं डांटेंगे तो बच्चा क्या करेगा? लेकिन ये भी तो होता है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो गार्जियन के मौजूदगी में करना चाहिए। वो ऐसा डांट दिया कि उसने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया। बच्चे की अगर गलती देखा जाए तो अगर उसे कुछ भी रहता है ऐसा, तो वो अपने पेरेंट्स को, सैटरडे का टाइम था, संडे का टाइम था, फ्राइडे को ये इवेंट हुआ, बच्ची ने क्यों नहीं बताया अपने घर पे? बच्ची तो गिल्टी खुद महसूस कर रही थी, मेरे पास मोबाइल मिला है, तो बच्ची मतलब कि पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट हो सकते थे उस केस में, स्कूल की ही पूरी गलती तो नहीं? स्कूल की गलती नहीं है, तो स्कूल में अगर बुलाया गया था तो गार्जियन के मौजूदगी में पूछताछ की जानी चाहिए जी। लेकिन पहले अगर हम बच्चे से एक बार बच्चे से क्लियर कर लें कि क्या बात है, तो बात आगे बढ़े। जब बच्ची को बुलाया गया, बच्ची को बोला गया कि आप बाहर वेट करिए, आपके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, तो वो बच्ची तुरंत, मतलब उसको ऑफिस के बाहर भेजा गया कि हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, और वो पेरेंट्स के डर से जाके बच्ची कूद गई, तो इसमें हमारे इंस्टीट्यूशन की क्या गलती है, हमारे प्रिंसिपल की क्या गलती है? जी नमस्ते, क्या नाम आपका है? मेरा नाम जागृति सिंह है। किस क्लास में आप हैं? मैं 12th A में हूँ। क्या घटनाक्रम हुआ, क्या कहेंगे?
दरअसल जो घटना हुई वो सारी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है और वो पहुंचा दिया गया है लीगल तरीके से, तो वो ना हमारा काम है कि घटना क्या हुआ, ना आपका काम है, वो जो जांच कर रहे हैं उनका काम है, हमारा मैटर नहीं है। तो मैं इसके विषय में नहीं कुछ कहना चाहूँगी। आप बताइए क्या क्या कहना चाहूँगी। नहीं, हमने देखा, एक्चुअली हम नहीं थे, हम क्लास में थे, और जो भी जला सर क्लासेज में भी कैमरे हैं, कॉरिडोर में हैं या ग्राउंड में हैं, तो वो सारी घट, जैसे एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, साइंस झूठ नहीं बोलेगी, तो सीसीटीवी कैमरे में जो है वही सच है, बाकी कुछ कोई व्यक्ति कहे तो मैं उसको गलत ही कहूँगी। तो साइंस ये भी कहता है कि बच्ची गिर गई, कौन ब्लड सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं इस पे भी यही कहना चाहूँगी कि ये ना हमारा काम है ना आपका काम है, ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का काम है, वो अपना काम करेगी। और पुलिस है तो वो अपना सर, जज ना हम है ना जज आप। पुलिस ने जो कार्रवाई किया वो सही मानती है या गलत मानती है सर? हम बच्चे, देखिए सर हमारी सोच, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने दो लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, दोनों लोगों को, आपके प्रिंसिपल को, आपके क्लास टीचर जो बच्ची के स्कूल के क्लास टीचर थे, उनको। आप लोग यहाँ तक आए हुए हैं, मेरे पापा के इसके हैं, मेरे पापा कहते हैं कि जब एक माली एक पौधे को सींचता है और बड़ा करता है, तो जब अलग अलग दिशाओं से उसकी कलियाँ निकलने लगती हैं, तो उसको एक नया सेब देने के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए उसको काटता है, ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। बस मैं अपनी प्रिंसिपल को वही माली समझती हूँ, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल और हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स के अलावा कोई हमारा मार्गदर्शन पर ये आरोप है कि उनकी प्रताड़ना से छूट हो के बच्ची को। किस प्रताड़ना की बात कर रहे हैं आप? अगर वो माली उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहता है कि वो ऊंचाइयों तक जड़े, तो उसको प्रताड़ना कहते हैं आप? अरे इतना ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि तीसरे मंजिल पहुंच गई, कोई उसको बचाने वाला नहीं था। आप इतने 400 बच्चे हैं, आप उनकी बातें सुनिए, सिर्फ आप एक की बात क्यों सुन रहे हैं? हम नहीं पढ़ते हैं यहाँ सर। अक्सर देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी, सुनिए, देखिए तो एक बात बताइए, जब मुझे स्कूल में डांट पड़ती है तो मैं अपने मम्मी पापा के पास जाती हूँ, सारी बातें उनसे कहती हूँ, जाते ही पहले एक घंटा इसी पे चर्चा होगी कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हो गया था कि वो अपने मम्मी पापा से नहीं बताई? हम अपनी मम्मी पापा से ज़्यादा किसी क्लोज नहीं होते। अगर स्कूल नहीं भी बताया, मेरा नाम दिशा चतुर्वेदी है, मैं 12A सेक्शन की हूँ। अगर आप जो कह रहे हैं कि स्कूल की बात, तो अगर स्कूल नहीं बताया, हम अपने पेरेंट्स के इतने क्लोज़ हैं कि अगर इंडिपेंडेंस डे पे हमको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना होता है, हम पापा कर लें, मम्मी कर लें, तो इतनी बड़ी बात थी। अगर स्कूल में आपको डांटा गया, आपको कुछ भी मिला आपके बैग से, नहीं मिला, तो आप सीधे जाके पेरेंट्स से बताएंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि पहले साइकोलॉजिकली भी तो चेक करना चाहिए कि उसका उसके पेरेंट्स से क्लोजनेस थी या नहीं थी। हमारी सोच ये है, ये स्कूल की गलती थी, प्रिंसिपल मैम की गलती थी कि नहीं, जब उनके अभिभावक आ जाते, गार्जियन आ जाते, उसकी मौजूदगी में पूछताछ करनी चाहिए थी। अगर पूछताछ किया, बच्ची किस परिस्थिति में थी, कैसे चली गई, उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए था सर? अब ये तो सर, ये क्लास से मोबाइल, ये बात नहीं है, ये तो मतलब DVR भी है पुलिस के पास, CCTV फुटेज भी है, तो हम ये नहीं कह सकते, हम अपना मत नहीं कह सकते, दूसरे जो मन में आ रहा है कह दे रहे हैं, लेकिन हम जो नहीं जानते वो नहीं बोलेंगे। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जो नहीं जानते वो एक पक्ष में था कार्यवाही सर, हम किसी के साथ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम बस खिलाफ हैं उन लोगों के जो गुमराह कर रहे हैं, जो र्यूमर फैला रहे हैं हमारे स्कूल के बारे में। 50 साल से हमारा स्कूल मतलब एक अपनी इमेज बनाए हुए है, कोई अगर आता है तो यहाँ की क्वालिटी देख के आता है कि अगर हमारे स्कूल में कुछ है तभी यहाँ इतनी स्ट्रेंथ है, अगर नहीं रहता तो नहीं रहती, इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। अगर पेरेंट्स डाल रहे हैं बच्चों को तो कुछ देख कर डाल रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहती हैं? घटना हो गई सर, हम सेफ्टी के लिए क्या चाहती हैं? जैसे हमारे बीच की लड़की यस सहानुभूति है उसके लिए सर, ये बुरा लगा हमें सर। इसके लिए तो सबसे पहले कि ये हमारा काम नहीं है कि हम क्या, ये तो स्कूल मैनेजमेंट अपना देखेगा, लेकिन उसका चाहते हैं कि वो अपने सबके माता पिता अपनी बच्ची से पूछें कि आखिर तुम्हारी मानसिक स्थिति कैसी है, अपने माता पिता से बच्चे क्लोज रहें, बाकी वो अगर कोई अगर करना ही चाहेगा यहाँ नहीं कहीं और कर लेगा।
तो हम यहाँ की सर 20 मिनट में कोई टॉर्चर नहीं होता। आप ये कर सकते हैं कि मतलब टॉर्चर नहीं हो सकता 20 मिनट में, सब जानते हैं। तो प्रीवियस स्कूल में उसकी कैसी मेंटल स्थिति रही होगी आप ये पूछ सकते हैं, उसका कैसा कोऑर्डिनेशन रहा होगा अपने पेरेंट्स से, ये कर सकते हैं। सर ये बताइए मतलब आप लोग कह रहे हैं कि जो बच्ची का बैकग्राउंड रहा वो अच्छा नहीं रहा। सर हम नहीं कह रहे हैं, सर हमें जब पता नहीं तो हम ना किसी के साथ बोलेंगे ना किसी के अगेंस्ट बोलेंगे। आप लोग चाहते हैं क्या, आप बताओ। हम चाहते हैं हमारे प्रिंसिपल्स वापस हो, वापस हो। ऐसे नहीं हो पाएगा। मुझे इस स्कूल में अच्छा नहीं लगता, मेरे पेरेंट्स मुझे दूसरे स्कूल में डाल देंगे। क्या हम अपने माता पिता भी बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। वो ठीक है, जांच तो हो रही है, तो जांच पे भरोसा है ना पुलिस पे आपको? यस सर है, लेकिन हम जस्टिफिकेशन चाहते हैं, प्रॉपर जस्टिफिकेशन। हम पूरा फेयर तरीके से ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए जो र्यूमर्स फैला रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब आप हमारे स्कूल में नहीं थे, जब हमारे स्कूल से आपका कोई संबंध नहीं है, आप घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे, ना दस दिन पहले थे ना 10 दिन बाद हैं, तो आप कैसे कुछ बोल सकते हैं? सर हम 8 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। आप एक बात बताइए, श्रेया की जान चली गई, हमें बहुत दुख है उसके लिए, लेकिन क्या 900 लड़कियों का भविष्य भी बर्बाद कर दिया जाएगा? 900 लड़कियों का भविष्य बर्बाद, हम उसको अपनी बहन मान, अपनी पढ़ाई जारी। सर वो भी झूठे एलिगेशंस के बेसिस पे, मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ आंटी, क्या आप हमें अपनी बेटी नहीं समझती हैं? 900 लड़कियाँ हैं यहाँ, सबका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा। चलो ठीक है सर। उस समय में मैं तो जो है क्लासेस में था, अपनी क्लास में था, जो क्लास के बच्चों जो थे उसमें मैंने देखा, बच्चे पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था, उसके बारे में घटना कैसे हुई, किस तरह से हुई, उसके बारे में मैं नहीं देख पाया हूँ, नहीं समझ पाया। तो क्या कहे जाएंगे जो अभी तक कार्रवाई हुई है? सर जो कार्रवाई हुई है वो चूँकि CCTV कैम जो हमारे सभी कमरों में जितने भी हमारे कैम जो कमरे हैं सब में कैमरे लगे हुए हैं, गैलरी में कैमरे लगे हुए हैं, और भी जगह पे जो है एंट्रेंस पे भी कमरे लगे हुए हैं और एग्जिट पे भी लगे हुए हैं, तो इसे जो है जो भी है जो भी कार्रवाई है उसके आधार पर जो है देख करके जो है समझ करके देख करके की जाए, जिससे कि जो है सही का सही पता चल जाए और उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाए जो हमारे CCTV फुटेज में दिखाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जो पूरा घटना का दोषी प्रिंसिपल को और क्लास टीचर को माना जा रहा है, तो आप भी एक अध्यापक हैं, क्या मानते हैं कि टीचर ने कोई गलती किया या प्रिंसिपल मैडम ने कोई गलती किया? अब घटना तो एक असंभावित दुर्घटना होती है, इसको कहीं पर भी किसी भी रूप में हो सकती है, ये चाहे कितना भी हम जो है प्रिकॉशन ले लें, चाहे जितना भी हम जो है व्यवस्थाएं कर लें, अब किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं रूप में जो है वो घटित हो जाती है। हम लोग लाख कोशिश करते रहते हैं लोग, लेकिन वह कभी न कभी किसी रूप में हो जाती है। सर क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि जो CCTV फुटेज के आधार पर जो है उसके आधार पर न्याय मिलना चाहिए, और जो भी है इस तरह से जो है उसके आधार पर न्याय दिया जाए, यही हम चाहते हैं। और जैसे अभिषेक सर हैं वह भी वीडियोस में कुछ दिखाया गया है इस तरह से, वो सारी चीज़ें जो अफवाहों के तथ्य पे दिखलाई पड़ रही होती है वह तो गलत है एक तरीके से, क्योंकि जो है साइंस सही बोलता है, हम हैं, हम जो है आदमी के रूप में मानव ह्यूमन बीइंग है, हम कभी गलत बोल सकते हैं, कोई दूसरा गलत बोल सकता है, तीसरा गलत बोल सकता है, लेकिन जो साइंस की जो सारी चीज़ें जो है एक्टिविटीज और सिस्टम्स लगे हुए हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। जी पिछले 15-16 साल से मैं इस विद्यालय इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हूँ, और अब तक जितना भी मैंने अपने शिक्षकों के बारे में जाना है, अपनी मैडम के बारे में जाना है, तो यही जाना है कि जो अभिषेक सर हैं, एक क्लास टीचर के नाते उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने पूरा किया है। बच्चा अगर पुरस्कृत होता है तो भी पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, और किसी तरह का अगर कहीं गलत पाया जाता है तो भी पेरेंट्स को कॉल किया जाता है। तो एज अ क्लास टीचर अभिषेक सर ने जो किया है वो कहीं से गलत नहीं है, और हमारी मैडम एक प्रिंसिपल का जो रोल होता है उन्होंने एक प्रिंसिपल का रोल प्ले किया है, और एज अ प्रिंसिपल उन्होंने जो रोल प्ले किया बच्चे को समझाने का जो प्रयास किया है, उस बच्ची ने उस बात को किस तरह से लिया ये तो मैं नहीं बता सकती। उस वक्त मैं अपनी कक्षा में थी, बच्चों को संभाल रही थी जिस वक्त ये घटना घटी थी, तो एज अ प्रिंसिपल उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया है कहीं से गलत नहीं है, और मैं चाहूँगी कि जो शिक्षक का सम्मान है वो वापस किया जाए, हमारी मैडम और हमारे अभिषेक सर को हमारे स्कूल में वापस किया जाए। इस तरह से प्रशासन और शासन दोनों से अनुरोध है कि इसका उचित तरीके से जांच किया जाए, जो भी CCTV की फुटेज
दिया गया है शासन को, उसकी देख रेख उसको देखा जाए और क्या सही है उसके अनुसार सही डिसीजन लेकर के हमारे शिक्षक को हमारे स्कूल में वापस किया जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी एवं महिला कांग्रेस की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों एवं मिशन 2024 की रणनीति को लेकर विशेष चर्चा हुई। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए रोक से उत्साहित कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला और मिष्ठान वितरित कर हर्ष व्यक्त किया और इसे न्याय की जीत बताया। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक का फैसला स्वागत योग्य है। न्याय की जीत हुई है। सच को अधिक दिन तक दबाया नहीं जा सकता। सच्चाई पर कितना भी पर्दा डाला जाए लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई दुनिया के सामने आ ही जाती है। बीजेपी की नकारात्मक राजनीति और अहंकार की हार हुई है, सत्य की जीत हुई है। राहुल गांधी हमेशा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर हमेशा सरकार को जगाने का काम करती है और करती रहेगी। जिला महासचिव अजीत राय ने कहा कि सत्यमेव जयते राहुल गांधी की सजा पर रोक संविधान और लोकतंत्र की जीत है। अब यह देखना आवश्यक है कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने में 24 घंटे से भी कम समय लगा था, अब संसद सदस्यता बहाल होने में कितना समय लगता है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष शीला भारती ने कहा कि राहुल गांधी की सजा पर रोक न्याय की जीत है, इसे देशवासियों में न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाई गई, उसी के संबंध में कार्यक्रम था और हमारे जिले के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हंसी खुशी इस चीज़ को कि आज न्याय की जीत हुई है। जो भाजपा सरकार जो सच्चाई का गला दबाने की काम कर रही वो आज न्यायपालिका ने उसको आईना दिखा दिया है। इसी संबंध में आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और न्याय की जीत पर हम लोग यहाँ मिठाई वितरण का कार्यक्रम रखे हैं। इसी संबंध में निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड, एक्सेलेंट टीचिंग मेथड, कंडक्टिंग वेरियस कॉम्पिटिशंस, को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, एंश्योर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ योर चाइल्ड, कंप्लीट एजुकेशन विद कॉन्फिडेंस, वेल मेंटेन कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, सीसीटीवी सर्विलांस, वेंटिलेटेड क्लासरूम एंड सेफ कंपाउंड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता, लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़, एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन कंपोजिट साइंस लैब, फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी, एज पर सीबीएसई स्टैंडर्ड्स, आउटडोर एंड इनडोर प्ले फैसिलिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। अवर ब्रांच किड्स पैराडाइज फन ऑफ लर्निंग प्ले ग्रुप सेक्शन ऑफ पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, 200 प्लस डिजाइन एक्टिविटी किड्स एंड प्ले जोन फॉर किड्स पैराडाइज प्ले ग्रुप सेक्शन। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़, सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़।